नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। क्या वाकई भारत तेल की किल्लत का सामना करने वाली है? दरअसल इन दिनों देश में डीजल और पेट्रोल की कमी की अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में कुछ सरकारी पेट्रोल पंपों पर मांग में अचानक वृद्धि के बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई। अफवाह फैलते ही लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हो गए। कुछ जगहों पर तो लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल पंपों को बंद करने की नौबत तक आ गई। लेकिन इन अफवाहों से लोगों के परेशान होने के बाद इंडियन ऑयल कंपनी ने डीजल और पेट्रोल की कमी की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मंगलवार देर शाम एक बयान जारी करते हुए कहा कि देश में तेल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। कंपनी ने कहा कि उसके सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसमें किसी तरह का कोई संकट नहीं है। साथ ही कंपनी ने लोगों से पैनिक नहीं होने का आग्रह भी किया। वहीं केंद्र सरकार ने भी सफाई दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कई राज्यों में कुछ क्षेत्रों में सरकारी तेल पंपों पर भीड़ देखने को मिली है। इस जगह से तेल मिलने में देरी और लंबी लाइन देखने को मिली। इस वजह से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में कमी की अटकलें लगने लगी, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। खबरों के अनुसार ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी कि सऊदी अरब ने भारत की तेल की आपूर्ति रोक दी है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की कमी हो गई। वीकेंड पर फैली इस अफवाह ने लोगों को परेशान कर दिया। राजस्थान के जयपुर, उत्तराखंड के देहरादून, महाराष्ट्र के मुंबई समेत गुजरात के कुछ शहरों में लोग पैनिक हो गए। इसके बाद भारी संख्या में लोग पेट्रोल भराने पंपों पर पहुंच गए। स्थानीय पेट्रोल पंप संगठनों ने सफाई में बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देहरादून में तो प्रशासन ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है कि किन लोगों ने यह अफवाह फैलाई। देहरादून प्रशासन ने साफ कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।